गाइज मेरा नाम है गोकुल सुतार और आप देख रहे हैं सुतार टेक चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने यूट्यूब वीडियोस की जो है मतलब आप देख सकते हैं यूट्यूब ने आपकी वीडियोस को कितने लोगों को है वो रिकमेंड किया है। ठीक है गाइज, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। और गाइज मैं आपको अगर आपका जो है इंप्रेशन कम होगा यानी कि आपका जो रिकमेंडेशन कम होगा 1000 होगा 500 होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसे इंक्रीज कर सकते हैं, आपके रिकमेंडेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और चैनल बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको सबसे पहले एक काम करना है। ठीक है गाइज, तो गाइज जब भी आप वीडियो अपलोड करें ठीक है गाइज, तो आपको सबसे पहले जो उस वीडियो को जो एक यूनिक टाइटल देना है, जो भी आपका वीडियो है उसको एक यूनिक टाइटल देना है और उसमें जो है लंबे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो आपको यानी टैग्स लिखने हैं। ठीक है गाइज, लॉन्ग टैग्स आपको जो उसमें लिखने हैं। ठीक है, तभी आपकी जो है वीडियो रैंक हो जाएगी। ठीक है गाइज, वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद फ्रेंड्स आपको जो मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो आपको करना है। ठीक है गाइज, तब तक क्या है एक दिन में जो है टैग्स जो है अपडेट हो जाते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर जो है एक दिन होने के बाद फ्रेंड्स वीडियो के एक अपलोड होने के एक दिन बाद जो आपको कैसे आपको करना है। ठीक है गाइस, सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप जो है उन टैग्स को देख सकते हैं ट्यूब बड़ी एप्लीकेशन की मदद से कि आपने जो टैग्स लगाया है वो 100% रैंकिंग टैग्स है या नहीं। ठीक है, तो आप उस ट्यूब बड़ी से देख सकते हैं। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब जो है आपको जो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देना है। ठीक है गाइस, ओके गाइस, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद उसमें आपको फ्रेंड्स यहाँ पर youtube.com लिख लेना है। ठीक है, youtube.com लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको जिस पेज को जो डेस्कटॉप मोड में ओपन कर देना है, तो सिंपल डेस्कटॉप मोड में ओपन करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइज में ओपन कर देना है। ठीक है गाइज, डेस्कटॉप मोड में ओपन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको जो है अपने कॉर्नर पर साइड में आप जहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है अपना यूट्यूब चैनल का उस पर आ जाना है इसमें। ठीक है गाइज, और सिंपल आपको अपने लोगो पर क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद आपको योर चैनल का ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके गाइज, उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो है चैनल ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, चैनल ओपन होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएटर स्टूडियो का, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो फ्रेंड्स ये जो है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो नॉर्मल वर्जन है। ठीक है, आपको इसको बीटा वर्जन जो भी नया वर्जन आएगा उसमें आपको ओपन करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ट्राई स्टूडियो बीटा, इस पर आपको क्लिक करने हैं ताकि जो है बीटा वर्जन के जो नए नए फीचर्स आएंगे वो हमें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो सिंपल ट्राई स्टूडियो बीटा पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो स्टूडियो वर्जन है वो बीटा में बीटा वर्जन जो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको साइड में जूम करना है यहाँ पर कॉलम में। ठीक है, फिर आपको जो सेकंड ऑप्शन मिलेगा डैशबोर्ड के बाद वीडियोज़ का, सिंपल आपको यहाँ पर जो है वीडियोज़ वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपकी जो सारी वीडियोज़ है वो ओपन हो जाएगी। ओके गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को पूरा देखना है, और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है गाइज, तो यहाँ से जो आपकी सारी वीडियोज़ है ओपन हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पर अब देखिए आप कैसे हम पता लगाएंगे कि आपकी वीडियो जो है अपनी जो वीडियो है वो कितने लोगों को यूट्यूब ने रिकमेंडेड की है। ठीक है गाइज, उसको देखने के लिए फ्रेंड्स जैसे कि मान लीजिए मैं अपना ये वाला वीडियो जो है देख लेता हूँ एक बार, तो सिंपल आपको इस वीडियो पर टाइटल पर क्लिक करने था तो ये वीडियो का ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ओके गाइस, ये देखिए कुछ इस टाइप से है जो ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, ये कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारे अपने टैग्स दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दिख रहे हैं, टाइटल दिख रहा है। ठीक है गाइस, ये आपको सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद फिर अगेन आपको यहाँ पर जूम करना है और यहाँ पर एक पेंसिल के नीचे जो है एनालिटिक्स का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है इस वाले ऑप्शन पर। ठीक है, तो इस वीडियो की जो पर्टिकुलर वीडियो की जो है यहाँ से एनालिटिक्स है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो ये ओपन हो रहा है। तो गाइज यहाँ से देख सकते हो ये वीडियो, सॉरी इस वीडियो की जो एनालिटिक्स है वो यहाँ पर सारी ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब आपको जो है रिकमेंडेशन देखने के लिए जो है इंप्रेशन देखने के लिए वो यहाँ पर आपको सिंपल जूम करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिच व्यूअर, यानी कि कितने लोगों तक आपकी जो वीडियो पहुँची है। ठीक है, तो सिंपल आपको रिच व्यूअर पर क्लिक करना है। ठीक है गाइज, फिर यहाँ पर आप जो है नीचे की जब देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको मिल गया ऑप्शन। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स 24% फ्रॉम यूट्यूब रिकमेंडेशन योर कंटेंट, यानी कि आपका जो वीडियो है वो यूट्यूब ने 4000 लोगों को वो रिकमेंडेड किया है, और उन 4000 लोगों में से जो है 175 लोगों ने जो है इस इंप्रेशन को कंप्लीट किया, यानी कि 175 लोगों ने वो वीडियो को देखा है। ठीक है गाइज, और बाकी जो है आपके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स से मेरे सब्सक्राइबर्स जो है इस वीडियो पर व्यूज़ आए। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ अगर आपका जो है इंप्रेशन ये कम हो तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपका यहाँ पर इंप्रेशन जो है 1000 हो,
या फिर 500, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको जो और अच्छे अच्छे टैक्स लिखने हैं, आपको और अच्छे अच्छे टैक्स लिखने हैं, और आपको एक यूनिक टाइटल उसको देना है। ठीक है गाइस, यहाँ से आपको जो है अच्छे अच्छे टैग्स लिख लेने हैं, यानी कि फ्रेंड्स आपको जो है अपने टाइटल, जो आपने वीडियो का टाइटल रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अच्छे अच्छे जो है टैग्स लिखने हैं आपको, ताकि जो है, और टैग हमेशा लॉन्ग टेल होने चाहिए, नहीं लंबे लंबे टैग्स होने चाहिए, और छोटे लंबे सारे आपको यहाँ मतलब आपको टैग्स डालने हैं, तब जाकर आपका जो इम्प्रेशन है वो बढ़ेगा, यूट्यूब का रिकमेंडेशन बढ़ेगा, यूट्यूब आपकी ज़्यादा रिकमेंड करेगा वीडियोज़ को। ठीक है गाइस, तो गाइज ये है मतलब जो है मैंने आपको बताया इम्प्रेशन के बारे में कि कौन यूट्यूब कैसे आपकी वीडियो जो है रिकमेंड करता है। ठीक है गाइज, तो गाइज अगर आपका, अब मैं आपको बताऊँ आपको क्या करना है सबसे पहले, तो गाइज आपकी जो जितनी भी वीडियो है, ठीक है गाइज, उन सभी पर ऐसा काम करना है, यानी सभी का इम्प्रेशन जो देखना है। ठीक है गाइज, मैं आपको चैनल ग्रोथ करने की बात कर रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले आपको सारे वीडियोज़ पर ये देखना होगा कि किस वीडियो पर सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन है। ठीक है गाइज, किस वीडियो पर सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन है वो देखना है, और उसके रिलेटेड मान लीजिए आपकी कोई वीडियो है एक, उस पर जो है 10,000 इंप्रेशन है। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना है उसी के रिलेटेड है वो वीडियोस बनानी है, मतलब ठीक है, जैसे कि आपने एक वीडियो बना रखा हाउ टू रूट एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है, और आपने जो है उसका जो इंप्रेशन आ गया, उसको वीडियो को जो है यूट्यूब ने 10,000 लोगों को रिकमेंड किया, तो आपको जो है ऐसी वीडियोज़ बनानी है, हाउ टू वगैरह, मतलब आपको जो है उसकी रिलेटेड वीडियोज़ बनानी है, तब जाके आपकी जो और इंप्रेशन है वो जनरेट यूट्यूब करेगा। ठीक है गाइस, तो गाइज ये था आज का वीडियो, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो है इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।